ओमिक्रॉन पर भारतीय वैज्ञानिकों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। लैब में आइसोलेट किया गया है ओमिक्रॉन वेरिएंट। ओमिक्रॉन वेरिएंट को आइसोलेट और कल्चर करने में कामयाबी मिली है। लोगों पर ओमिक्रॉन का असर पता करने में मदद देगी ये नई स्टडी। स्टडी से ओमिक्रॉन के खिलाफ बनाई जा सकेगी रणनीति। मैं जरा हमारे साथ जो वायरोलॉजिस्ट है उनसे इस बारे में बात करता हूँ। दीपक भाई, ये आइसोलेट करना और कल्चर करना, जरा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ये क्या कामयाबी है और इससे क्या फर्क पड़ेगा? इरफान, आता हूँ आपके पास। देखिए गौरव जी, लैब में उसको कल्चर तैयार करना, उसको पहचानना, जितनी ज़्यादा इसके जीन्स और जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में हमें आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ इसमें चेंजेस हुए हैं, तो उसको आधार मानकर फिर हम आगे वैक्सीनेशन, खासतौर पे जो होता है, जो वैक्सीन बनाई जाती है उनको हम अपग्रेड करने में इसमें हेल्प मिलने वाली है। और किस तरह से कहाँ पर इसमें म्यूटेशन हो रहे हैं, किस लोकेशन पर ज़्यादा म्यूटेशन देखे जा रहे हैं, उन सबको आधार मानकर वैक्सीन को डेवलप किया जाता है, उसको अपग्रेड किया जाता है। गौरव, आपको एक बात और बता दूं, 22 दिसंबर को एक इम्प्रिंट आया है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जिसमें बूस्टर के जो एफिकेसी है उसके बारे में बात की गई। एस्ट्राजेनेका का जो कोविशील्ड है उसका बूस्टर दिया गया और वो बाकायदा काम कर रहा है। यह एक इम्प्रिंट है जो पब्लिश हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो मेरा भी ये मानना है कि वैक्सीन को अपग्रेड करना पड़ेगा, बूस्टर्स देने पड़ेंगे और बूस्टर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। जरा आपकी बात जो बात है, मुझे लगता है कि इस पर सरकार में मंथन जरूर चल रहा है। हम लगातार अपने जो हमारे संवाददाता है उनसे, जो इस पूरे मामले को ट्रैक करते हैं, उनसे बात करते हैं और कह रहे हैं कि हाँ मंथन है, लेकिन सरकार अभी थोड़ा सा उसमें वेट एंड वॉच की स्थिति में है। सरकार जरा स्टडी कर रही है कि जहाँ जहाँ बूस्टर डोज दिया जा रहा है वहाँ क्या असर दिख रहा है, उसके बाद वो चाहना चाहते हैं कि जब हम आगे बढ़ें तो बिल्कुल एक ठोस नतीजे के साथ आगे बढ़ें, जैसा हमें अभी तक जानकारी मिली है। इरफान, श्रीनगर में क्या हाल है? श्रीनगर में कितना लोग मास्क वास्क लगा रहे हैं? देखिए, अभी मैं लाल चौक में हूँ और यहाँ पर यहाँ से सीधी तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है कि सिटी में क्या स्थिति है। प्रतिदिन के जो पॉजिटिव केस के आंकड़े हैं वो 100 पार कर चुके हैं और आप देख सकते हैं लाल चौक में 80% लोग आपको बिना मास्क मिलेंगे। और यही कारण है कि यूनियन टेरिटरी में पहले ही जम्मू रीजन में 3 ओमिक्रॉन के केसेस देखने को मिले और आप 100 के आंकड़े कोविड पॉजिटिव केस के प्रतिदिन पार कर चुके हैं। साफ तौर पर लोग आप जो है कहीं ना कहीं कोविड, आप बता रहे थे, एक बार फिर से बता दीजिए, ओमिक्रॉन तो वहां भी आ गया है ना, जम्मू कश्मीर में भी ओमिक्रॉन के केसेस मिल गए हैं? बिल्कुल, 3 केसेस ओमिक्रॉन के जम्मू रीजन में मिले, यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में। और सबसे चुनौती इस समय प्रशासन के लिए यह है कि जिस तरह लगातार कई जगहों से सैलानी कश्मीर का रुख कर रहे हैं वो भी एक चुनौती बन चुकी है। हालांकि प्रशासन ने अब सतर्कता बढ़ाई है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं साफ तौर पर SOPs का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। आप देख रहे हैं लाल चौक का पोश मार्केट, आपको तो काफी लोग दिख रहे हैं और यहाँ इतनी भीड़ भी नहीं है, यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सकती है। और दूसरी बात, यहाँ पर लोग काफी जो दिख रहे हैं ऐसा लगता है कि वो शिक्षित लोग हैं और उनको वो भी मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो जानकार लोग हैं जिनको पता है, जो टीवी देखते होंगे, मोबाइल में न्यूज पढ़ते होंगे, अखबार पढ़ते होंगे, ऐसे लोग भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाते हुए दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया इरफान आपका, डॉक्टर समीर आपका शुक्रिया, डॉक्टर दीपक आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।